अस्सलामुअलैकुम। तो अभी जा रहे हैं हम लोग शादी में, हमारे अम्मो की शादी है आज। अम्मो बोले तो मेरी बहन का देवर है ना, तो अभी जा रहे हैं शादी में हम लोग पोइसर हॉल में। और क्या बोलूँ, ज़्यादा मुझे पक पक करना तो आता नहीं है, क्या बोलूँ फिर मैं। चलो, और मेरी सोफी निकाल रही है अभी फ़ोटो सेल्फी। अस्सलामुअलैकुम। और पहनी है सोफी ने पाकिस्तानी ड्रेस है ना। तो चलो चलते हैं अभी हम लोग शादी में।
और वलीमा भी है परसों, है ना। तो आज घर में हम लोग रेडी हुए फटाफट फटाफट। और एक कान का तो बहुत दिनों के बाद पहने हो, इसकी डिजाइन कैसी बताना। हाँ बहुत दिनों के बाद पहने हो। डबल बार बैठे तो बीच में ही अभी। मेरे को ये लड़की डबल बार बैठी है बाजू में। निकले शादी में से फटाफट गवंडी 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 अभी जाने गए। हमारा हर बार का फंक्शन ऐसा फिक्स है कि एक फंक्शन होता है रखना है तो जाना पड़ता है। शिवाजी शिवाजी है ना, हमारे शिवाज भाई ने यहाँ पे प्रोग्राम रखे थे, ईद मिला का प्रोग्राम रखे थे, लेकिन अब सोच के हम लोग थोड़ा लेट हो गए क्योंकि आज हमारे घर में भी शादी थी, लेकिन फिर भी लोग आया भाई से मिलने के लिए। इतना अच्छा प्रोग्राम रखे थे भाई, इधर इतने अच्छे अच्छे काम करते, सुने तो थे और मेरी भाई के वीडियो में भी देखी थी कि बहुत अच्छे अच्छे काम करते। और आज सच में इधर आके मालूम पड़ा कि भाई सच में मतलब फ्री में सबका दवाखाने में इलाज कराते,
शादी का हॉल इतना बड़ा बनाए गए वहाँ पर, फिर शादी करने के लिए सब बच्चे गरीब बच्चे होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है भाई। अल्लाह तुमको और नवाजे और हर एक चीज़ से आगे बढ़ाया, इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं, तो बेशक अल्लाह तुमको आगे ही बढ़ाएगा। हम सब तो दुआ है माशाल्लाह इतना अच्छा काम करें, इनकी बहुत अच्छी टीम भी है, और मेन अच्छी चीज़ ये है कि हल्के खिदमत कर रहे हैं वो बिना पैसे के, जो आज के ज़माने में मुमकिन नहीं है कर रहे हैं। हल्के खिदमत अल्लाह असर देने वाला है, तो चलते रहेंगे, अब कारवां बनता रहेगा और इंशाल्लाह ताला ऐसे नेक काम होता रहेगा और सवाबे जारी है। और ये हमारे भाई है सलीम बॉस, यहाँ के सब सब हैंडल करने वाले, ये अब थोड़ा थोड़ा मेरे को बता रहे थे माशाल्लाह। और अभी तो यहाँ पे आके हम लोग देखे, अभी देखने से मालूम पड़ रहा है कि भाई की टीम यहाँ की जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है इधर देख के कि सब में एकता है, और हमारे साथ में हमारा रोमियो भी है। हर एक इंसान हर एक एरिया के ऐसे एकता भी रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ का मॉल भी देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो आज भाई ने प्रोग्राम रखे थे कव्वाली का, एकदम अच्छे से हुआ रहेगा, एकदम शांति से छाया वीडियो भी पीछे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हमारे बीच में बहुत बड़े हस्तियां आई हैं, और शेख मोहम्मद सिराज ने आज ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था। यह है ईद मिलन का प्रोग्राम और एकता का दिया हमने पैगाम, तो ईद मिलन के प्रोग्राम से हम एक एकता का पैगाम देना चाहते थे। ये हिंदुस्तान भारत हमारा सूफी और संतों का देश है, यहाँ प्यार और मोहब्बत बढ़ती है और हमेशा बढ़ेगी। इस प्रोग्राम में सब आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, इंसान आए। ईद का दिन इंसानों का दिन होता है, खुशियों का दिन होता है, इसी तरह हम सब मिलकर एक साथ ईद दिवाली मनाएंगे और हम अपने देश को भारत को बहुत आगे लेके जाएंगे। और हर जो भी यहाँ बैठा हुआ है माशाल्लाह, वो इस भारत का बड़ा टैलेंटेड और बहुत हीरे लोग बैठे हुए, सब में अपना अपना एक एक टैलेंट है, और हम ये अपना अपने एक टैलेंट अपनी खूबियाँ हम अपने देश के लिए इस्तेमाल करेंगे, और अपने देश की कभी भी आन को कोई आँच नहीं आने देगी, अगर आज भी आए तो हम अपने देश के लिए जान दे देंगे। ठीक है, ये हिंदुस्तान हमारा है ना, जितना बोलते ना हमारा है, हमारा है तो भाई मुसलमान लोग का भी इतना हिंदुस्तान है। बिल्कुल, बहुत सारी कुर्बानियाँ मुसलमानों के शहीद हुई है, मुसलमान लोग ने भी बहुत कुर्बानी दी इस देश की। बिल्कुल बिल्कुल, तो हर एक कौम का ये देश जितना सबका उतना हमारा भी। और आज भाई ने तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रखे थे माशाल्लाह, लेट हो गई लेकिन इंशाल्लाह अगले साल तो जरूर आओगे और जल्दी आ जाओगे, क्योंकि अभी लेट हुई ना इसके लिए, अगले साल जल्दी आओगे यार। जज़ाकअल्लाह भाई आपने बुलाए और इतना अच्छा प्रोग्राम रखे, अल्लाह भाई को ऐसी और नवाजे, ऐसी मतलब बोलते हैं ना सब गरीब लोग की सेवा करने वाला हमेशा बना के हमेशा। और मतलब यहाँ पे आके तो बहुत भाई के बारे में बहुत अच्छी अच्छी भाई से बात सुने हम लोग, तो और भी अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं मेरे बेटे के बर्थडे में मिली थी, आप भाई से मिली और भाई के बारे में भाई ने सब बताया तो बहुत अच्छा लगा। तो अल्लाह भाई को और नवाजे और ऐसे आगे बढ़ाए। पापा गोवर्धनी में ना एक हॉस्पिटल भी नहीं था, गार्डन नहीं था, कुछ भी नहीं था, गोवर्धनी वीरान थी। शेख मोहम्मद सिराज एक कॉर्पोरेटर बने, आज़ाद जीते, शेख मोहम्मद सिराज ने सात माले का आईसीयू एनआईसीयू हॉस्पिटल बनाया, गार्डन बनाया, एम्बुलेंस मिली, यहाँ डंपिंग है, धुआं बहुत था, बच्चे स्कूल जाते थे उनको रोड का ड्राइवर को नहीं देखता था, वो धुआं बन रहा, उसके लिए पाँच दिन भूख हड़ताल करी, ऐसे हजारों काम किए, फिर कुछ हालात आए, फिर हम इलेक्शन का तो इख्तदार ख़त्म हो गया, फिर वो वापस आए, वापस आने के बाद खामोश नहीं बैठे। आप आपको एक बात बताता हूँ, आते साथ बगैर हुकूमत में रह के उन्होंने करोड़ों का फंड पास करवाया, वो चार साल से हॉस्पिटल वीरान था, जब तक शेख मोहम्मद नहीं थे तो ये गोंडी वीरान हो गई थी, आते साथ ये गोंडी में फिर बाहर आई, करोड़ों की मशीन आईसीयू एनआईसीयू वेंटिलेटर वो लगवाया, एक वेंटिलेटर का 10,000 रुपये का डेली खर्चा, आज वो मुफ्त में फ्री में हो रहा है, आज कई बच्चों को वहाँ से सहूलतें मिल रही है। और शेख मोहम्मद सिराज का मकसद ये है कि मैं गोवंडी को चेंज करूँ और गोवंडी को बदलूँ, करना भी चाहिए। शेख मोहम्मद सिराज भाई है, हाँ हाँ,
माशाल्लाह भाई के बारे में आपने जितनी तारीफ सुने, मैं तो बोलती हूँ बहुत कम है, क्योंकि वाकई में भाई काबिले तारीफ है। हाँ, जो इतना गरीब लोग के लिए सोच रहे आजकल कोई नहीं सोचता, बड़े से बड़े नेता तुरुम खान कोई नहीं सोचते जो भाई ने सोचे, है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते ना अल्लाह भाई को और नवाजे और आगे बढ़ाए, और भाई की पूरी टीम, पूरी टीम भी, मैं तो सुनी भाई की पूरी टीम भी अच्छी है और सब में एकता है, तो ऐसी रहना भी चाहिए, क्योंकि जब अकेले से कुछ नहीं होता, पूरी टीम रहेगी, सबको साथ में काम करे तो ऐसा लगता है। माशाल्लाह अच्छी है, ऐसा है लाइल बुरा है। पेपर उधर है मेरा, फिर ऐसा पूरा और ये हमारे मेहताब दा, दबंग राय, हम लोग आए अभी कोला में खाना खाने के लिए, अल जायका में, और ये मेरे बेटे कालू के दोस्त की होटल है, समर थाई। और ये क्या आया अभी, मटन काली मेरे कुरला में खाना, हम लोग आलू जायका तो माशाल्लाह खाना खाने के लिए। आपने स्टार्टर भी इतना अच्छा था ना, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, बिल्कुल खुश हो गए स्टार्टर। अरे हमारा पांडे, यहाँ पे अभी सब लोग बात कर रहे हैं और हम लोग निकल गए अल जायका में से खाना खा के, और यहाँ पे सब अभी मेरे बच्चे के दोस्त लोग बात कर रहे हैं, अभी निकलेंगे सब लोग, देखो सब जा रहे हैं हम लोग, है ना। लाले भी बैठ गए गाड़ी में, भाई जी चला रहा है गाड़ी, यहाँ पे बैठा मेरा फो, यहाँ पे कालू लोग, काले चल अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज पांडे जी, अल्लाह हाफिज। जहाँ पर मेरा भाई ताजुद की नमाज पढ़ रहा है, कल उसका रिजल्ट है, तो कल उसका रिजल्ट है, आप लोग सब दुआ करना कि वो पास हो जाए, आप सब दुआ करना कि मेरा भाई पास हो जाए, और यहाँ पर वो नमाज पढ़ रहा है, और सब दुआ करना मेरे भाई के लिए कि वो पास हो जाए, वो ताजुद पढ़ रहा है, और बस। और आप लोग कैसे हो सब, हम लोग की मतलब दुआ कबूल हो गई, दादी मेरी, सलमान की अम्मी की, सबकी, सलमान पास हो गए। अब जाके ये खुशखबरी अम्मी को बता और अम्मी के हाथ छू। गाइस अम्मी तुम्हारा बेटा पास हो गया, ये काली मेरे
रिजल्ट का टीचर है। कैसा लग रहा है अम्मी सुन के? सवेरे सवेरे खुशखबरी अच्छी। आज नमाज ही मेरे बेटे ने पढ़ा, दुआ करा टफ होता है स्कूल में, जल्दी के कारण जो है बातचीत करी सब और गाइस मैं रात भर इसके लड़के की वजह से सो ही नहीं हूँ। और अभी 8:30 बोला मैं सो जाऊँगा, सो थोड़ी देर आऊँगा, सो चलो मिलते हैं सुबह। आमीन सुमामी। Well, huh?